प्रदेश के रायबरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। शनिवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली पहुंचे, जहां बछरावा विधानसभा के शिवगढ़ के औसहा के प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में पहुंचकर डिप्टी सीएम ने लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए किसानों को गुमराह करने की बात कही है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया है। आज यहां पर लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों के शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम थे, और जिसमें 100 करोड़ से अधिक लागत के थे उनको लोकार्पित और शिलान्यास करने का काम किया गया, जिसमें सड़क भी, सेतु भी, और भविष्य के लिए हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक जी ने और प्रस्ताव दिए हैं, उन पर भी सरकार पूरी गंभीरता से और प्राथमिकता से विचार करेगी। हमारा लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान। जय हिंदुस्तान। रायबरेली से मेहताब अहमद की रिपोर्ट। ऐसा स्वाद और कहां? जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, बहुरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट, जहां कम दाम में मिलता है 5-स्टार होटल वाला स्वाद। तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, बहुरानीपुर। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी बहुरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान। फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। अरे यार, जो ससुर का चिरांद फैला रहे हो तुम, और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे हैं। अरे तुम भुइया कर रहे हो ससुर, तुम कान खोल के सुने, कौन ऐसी बेटी पुट्टी नहीं चाहिए, बेटे पे चाहिए है भैया घरों का वॉल पुट्टी और पीओ की, जो रखे आपके घर को सालों साल नया।